नमस्कार फ्रेंड्स, होली पूजन के लिए हमें किन किन सामान की ज़रूरत होगी वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा आटा वहाँ पर चोंक पूरने के लिए, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, हमें आटे और हल्दी दोनों से चोंक पूरना है। उसके बाद ये हम तीन सामान लेंगे गुड़ भोग लगाने के लिए, दो हमने कपूर की टिक्की लेनी है और दो फूल वाली लौंग लेनी है हमें, जिनके ऊपर ये फूल होता है ये वाली लौंग लेनी है हमें, बिना फूल वाली लौंग नहीं लेनी है। साथ में एक जल का लोटा ले लीजिए, उसके साथ में कच्चा सूत, कच्चे सूत का बहुत अधिक महत्व है, इसी से हमें फेरी लगानी होती है तो कच्चे सूत को आपको लेना है। साथ में बड़कुल्लों का नारियल जो हमने बनाया था, दो दीपक डाल के ये वाला नारियल लेना है। साथ में 5 या 7 बड़कुल्लों की आप माला ले लीजिए, कितने की भी, मैंने ये 5 की बनाई है छोटी सी, तो ये माला ले लूँगी। साथ में दक्षिणा ले लेंगे हम, दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितनी भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें एक दीपक लेना है, दीपक आप पीतल का, तांबे का, मिट्टी का कैसे भी ले लीजिए। साथ में माचिस लेनी है फ्रेंड्स, और साथ में हमें जो भी माला बनाई है होलिका माता के लिए, ड्राई फ्रूट की, स्वीट्स की, वो एक माला ले लेनी है। इस तरह से हमने ये सामान लेकर जाना है और इसमें से थोड़ा सा जल हम होलिका पर चढ़ाएंगे और बाकी जल हम वापस ले आएंगे। उसके बाद ये मेन दरवाजे पर डालना है और होलिका माता की पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप वहाँ पर जाकर जरूर देखें। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।